यार रात तो बहुत मजा आया। हाँ यार खाना भी बहुत जबरदस्त बना हुआ था, बहुत रात फिर दे रहा लोग कैसे दे रहे थे। सही बात है। अच्छा वो जो मैंने पिक्स बनाई थी ना वहाँ पे जामपुर लव जामपुर वाली किताब पे, वो मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, बहुत जबरदस्त क्योंकि ये यादगार होती है अपने दोस्त की। हाँ अच्छा दोस्त नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ के फिर आता हूँ आपसे मिलता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। ओके ओके हाँ वो पिक्स मुझे सेंड कर देना लाजमी याद करके, वापस आओ ना जल्दी, मैं अभी आता हूँ। हाँ इनकी दोस्ती को बोलना होगा यार, जगह पे इकट्ठे ही रहते हैं। भाई क्या हाल है, ठीक हो? भाई आपका दोस्त ठीक नहीं है यार, मेरा दोस्त ठीक है, वो देखना एक दिन आपको छोड़ देगा। क्यों यार, बड़ा मुनाफिक और मजबूर बंदा है यार, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने मुझे मेरी मजबूरी थी, कल मैंने उससे 5,000 रुपये मांगे, उसने नहीं दिए मुझे। यार उसकी बात नहीं होगी, उसने मेरी शादी पे अपना मोबाइल बेचकर मुझे पैसे दिए, ऐसा तो नहीं है वो। तो मेरी किसी चाल में नहीं फंस रहा, अच्छा कोई दूसरी तरकीब लगा दी। हाँ इधर कर भाई, उसकी बात कर। ये बात नहीं यार, नहीं यार उसने मुझे बताया है। अच्छा ये इतना बेशर्म हो गया है, मैंने भी आपको कहा था। नहीं यार, अच्छा आज से आने दो, इसकी खबर लेता हूँ आज। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया आप लिया तो उसकी बताई, फिर मेरा ना बताना। ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है मैं जाता हूँ, आप आज बड़ा मजा आएगा, बड़े दोस्त बनते फिरते थे, बड़े दोस्त बने फिरते थे, आज मजा आएगा। भाई कहाँ जा रहे हो यार, बैठो मैं तो आज यार, मुझे शाकिर ने आपकी सारी हकीकत बता दी है। शाकिर ने? मैंने तो शाकिर को कुछ नहीं कहा, क्या हुआ है? नहीं यार तुम मेरे घर की बातें बताने लगे हो लोगों को। अरे यार अवेश भाई मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मैं कसम खा करके तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे आप पर अब यकीन नहीं है। अरे यार क्या हो गया बाद हो यार? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा अवेश भाई आपको, मैंने शाकिर कुछ नहीं कहा, मुझे तो वो मिला ही नहीं है। आज पता चला, मुझे लगता है ये कोई हम दोस्तों को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता चला आप यहाँ से। अरे यार बैठो तो सही। मैंने आज अवेश और हाशिम के दरमियान ऐसी आग लगाई ना, कभी आप एक दूसरे के साथ नजर नहीं आएंगे। अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, मैंने उस शैतान के कहने पर अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़ दिया। अरे यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, उससे माफी मांगनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्या हो गया, आप मुझसे नाराज हैं? अरे जाओ यार जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझसे गलतफहमी होगी यार, मुझे आप आओ ना, माफ कर दो मुझे यार। अरे तुमने उस पागल के कहने पर मेरे साथ मेरी जात पे यकीन नहीं था। आपको पता है कि दोस्ती की बुनियाद क्या होती है? दोस्ती की बुनियाद होती है इज्जत और यकीन। अगर दोस्तों के दरमियान इज्जत और यकीन नहीं है तो उनकी दोस्ती किसी काम की नहीं है। यार आज मुझे सबक मिला है मेरे भाई, आज मुझे माफ कर दो बस। अरे ऐसा किया ना तो फिर आप हमारी दोस्ती खत्म हो गई, ठीक है? आज से हमारी पक्की दोस्ती है। ऐंदा किसी की बात पर भी यकीन नहीं करना। नहीं करूंगा यार। अगर किसी से दोस्ती करनी है तो उस पर पहले यकीन करना सीखो। सही बात। दोस्त वो है कि जब देखो तो आईना लगे और जब साथ चले तो साया लगे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों में शेयर कर दें। शुक्रिया।